हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होममेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक 12 से 13 साल की लड़की के लिए बहुत ही खूबसूरत लहंगा बनाने का फुल ट्यूटोरियल। और फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। और अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहें तो आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं, मैं आपके लिए ड्रेस डिजाइन कर दूंगी। और अगर आप मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस खरीदना चाहें तो आप इंस्टा से मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस खरीद भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए हम लहंगा बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वेलवेट का फैब्रिक है और इस पर ये सितारों से वर्क किया हुआ है पूरे फैब्रिक पर, ये देखिए इस तरह से। और ये 3 मीटर फैब्रिक है और इस फैब्रिक से मैं 11 से 12 साल तक की बच्ची के लिए अम्ब्रेला लहंगा बनाने बताऊंगी। और इसके लिए मैंने ये सैंटून का लाइनिंग का 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये मैंने नेट का प्लेन फैब्रिक लिया है, ये 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। इससे मैं दुपट्टा बनाऊंगी और इस पर लगाने के लिए मैंने ये वेलवेट की ही लेस ली है, ये थोड़ी चौड़ी लेस है, मैंने पूरा ये बंडल ही ले लिया है। इसमें 8 मीटर के लगभग लेस होती है, तो आप अगर ऐसे ले लें, लहंगे में घेर ज्यादा होता है तो जितना यूज होगा उतना लगेगा। और ये पतली लेस है दुपट्टे और चोली पर लगाने के लिए, तो ये भी मैंने 8 मीटर की पूरी बंडल ही ले ली है। तो अभी इसको हम साइड में रख दे रहे हैं और सबसे पहले हम इससे लहंगे की कटिंग करेंगे। तो इस फैब्रिक को हम लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, इसको मैंने एक बार फोल्ड किया है और अब इसको हम ऐसे बराबर से रख लेंगे। अब ये 2 लेयर कपड़ा हो गया, ये देखिए 1 2, और इधर से ये खुला है और इस तरफ से ये कपड़ा बंद है। तो इधर बंद वाले पार्ट की तरफ से एक कॉर्नर पकड़कर हम इसको ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। और अब ये 4 लेयर कपड़ा हो गया, 1 2, और 2 लेयर ये है 3 4। और यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो हम जितनी भी कमर का लहंगा बना रहे हैं उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 4 लेयर कपड़ा है। तो ये लहंगा 28 इंच कमर का बन रहा है क्योंकि ये बच्ची का लहंगा है। तो हम इंची टेप में देखेंगे कि 28 इंच का निशान कहाँ पर है, वहां पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे इस तरह एक बार और फिर एक बार और। इसको मैंने 2 बार फोल्ड किया और ये देखिए ये 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है 28। और इसको हम ऐसे प्रेशर से दबाएंगे इस तरह, और जब हम खोलेंगे तो ये पहली बार जहां पर फोल्ड हुआ है वो 28 का 4th पार्ट है। और ये देखिए ये 7 इंच पर फर्स्ट टाइम फोल्ड हुआ है। तो हम इस तरह से नापेंगे और जहां पर भी ऐसे 7 इंच बराबर से आ जा रहा है वहां पर हम एक निशान इस तरह से लगा लेंगे। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है और अब इसको हम हल्की सी ऐसे गुलाई दे देंगे इस तरह, इससे हमारे लहंगे में लगभग 2 इंच का मार्जिन आ जाएगा। और अब यहाँ से हम लहंगे की लेंथ लेंगे, तो इस लहंगे में ऊपर की तरफ 2 इंच की बेल्ट अटैच होगी। तो हम टेप को ऐसे पकड़ेंगे ये देखिए, और 2 इंच हम ऐसे छोड़ देंगे, बेल्ट अटैच होगी क्योंकि यहाँ पर। और उसके बाद हम अपने लहंगे की टोटल लेंथ ले लेंगे, जितना भी लंबा हमको लहंगा बनाना है। तो ये लहंगा 39 इंच लेंथ का रहेगा और 1 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे, तो 40 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद इस टेप को हम ऐसे यहां से उठाएंगे और यहाँ कॉर्नर पर रखेंगे और फिर से नापेंगे कि ये जो निशान मैंने लगाया था ये कहाँ पर आ रहा है। तो ये 48 इंच पर आ रहा है। तो हम टेप को यहाँ ऊपर से ऐसे पकड़ लेंगे, ऊपर की तरफ से हम इसको नहीं हिलने देंगे, और नीचे से हम टेप को ऐसे खसकाएंगे और 48 इंच नाप कर इस तरह से हम पूरा उस कॉर्नर तक निशान लगाते जाएंगे। ऊपर से हमको टेप ऐसे ही पकड़ना है और केवल नीचे से टेप सरकाते हुए 48 इंच नाप नाप कर पूरा वहां तक निशान लगा लेना है। तो ये देखिए 48 इंच नाप कर मैंने ये पूरा राउंड में निशान लगा लिया है। और अब इस निशान पर और इस राउंड वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है और ये देखिए ये कपड़ा इतना हमारा ये छोटा है, तो इसको हम ऐसे यहाँ पर फिंगर लगाएंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे। जितना भी कपड़ा ये हमारा बड़ा है इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसी में से हम इसके लिए कपड़ा कट करेंगे। तो इस कपड़े को हम ऐसे उठाएंगे और ये जो कपड़ा कट कर निकला है इस कपड़े को हम इसके नीचे ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे दबाते हुए जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर हम इसको ऐसे ओपन कर लेंगे और फिर इसके किनारों पर ऐसे कटिंग कर लेंगे। इस साइड से हम लगभग 1/2 इंच का डिस्टेंस रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको सिलाई करनी है, और नीचे की तरफ से बिल्कुल बराबर हम इसमें कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है और ये कपड़ा हमारा कट कर निकल आया है, ये देखिए
ये दो पीस कपड़ा है और इस कपड़े को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसी समय हम इसको पिनअप कर लेंगे जिससे हमको सिलने में आसानी हो। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक इसको पिनअप करेंगे। ये मैंने पिनअप कर दिया है और अब एक टुकड़ा ऐसे हम पकड़ेंगे और एक ये ऊपर वाला, और इसको ऐसे पकड़ के इसको यहाँ से यहाँ तक पिनअप कर लेंगे। तो इसको मैंने पिनअप कर दिया है और अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये वाला टुकड़ा हम इसमें पकड़ेंगे इस तरह, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक पिनअप कर लेंगे। तो इसको भी मैंने यहाँ से यहाँ तक पिनअप कर लिया और ये देखिए ये आगे से भी मैंने पिनअप कर लिया है और ये साइड से भी पिनअप हो गया है। और अब जहां जहां पर मैंने ये पिन्स लगाई हैं वहां पर हम सिलाई कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कपड़े का टुकड़ा हमारा ये कट कर निकला है, इतना बड़ा ये एक टुकड़ा है और एक टुकड़ा ये है। तो इस टुकड़े से हम इस लहंगे के लिए चोली बना सकते हैं। तो इसको हम साइड में रखेंगे क्योंकि बच्ची की चोली है तो इतने कपड़े में बहुत ही आसानी से बन जाएगी। और इस लहंगे को मैं खोलकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा अम्ब्रेला कट लहंगा कट गया है और जहां पर मैंने ये पिनअप किया है यहाँ पर आगे से ये पूरा पीछे तक हम इस पर सिलाई कर लेंगे और अब इसके लिए हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये लाइनिंग का 2.5 मीटर कपड़ा है, इसको भी हम अम्ब्रेला कट लाइनिंग ही बनाएंगे। तो सेम उसी टाइप से इसको भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे हमने मेन फैब्रिक फोल्ड किया था और फिर इसको भी हम ऐसे ही बराबर से रख लेंगे। अब ये टू लेयर कपड़ा हो गया, 1-2, और इधर से ये खुला है और इस तरफ से ये बंद है। तो इधर बंद वाले पार्ट की तरफ से एक कॉर्नर पकड़कर इसको हम ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। ये फोर लेयर कपड़ा हो गया, ये देखिए 1-2 और टू लेयर ये है 3-4। और अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हम इस मेन फैब्रिक को भी यूज कर सकते हैं। ये जो हमने कटिंग करके रखा है ये कमर वाला पोर्शन है और ये देखिए ये टू लेयर है। तो इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे और अब ये भी फोर लेयर हो गया, 1-2-3-4। और ये कपड़ा भी हमारा फोर लेयर ही है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके और इससे हम यहाँ पर कमर का निशान लगा सकते हैं। इसको हम इस तरह नापेंगे और जहां पर भी ये बिल्कुल बराबर आ जा रहा है बस वहीं पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। तो ये निशान मैंने लगा दिया है और इस कपड़े को हम अभी साइड में रख देंगे और यहां से हम अपने लहंगे के लिए लेंथ लेंगे। तो इसमें भी हम 2 इंच टेप को ऊपर की तरफ छोड़ देंगे क्योंकि 2 इंच की बेल्ट अटैच होगी लहंगे में। तो 2 इंच ये देखिए मैंने टेप को ऊपर की तरफ छोड़ दिया है। उसके बाद हम अपने लहंगे की टोटल लेंथ ले लेंगे। तो ये लहंगा 39 इंच लेंथ का बन रहा है और इसमें हम मार्जिन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइनिंग का कपड़ा है और ये थोड़ा छोटा ही सही रहता है। तो 39 पर ही हम एक निशान ऐसे लगाएंगे और फिर हम टेप को यहां से उठाकर यहाँ कॉर्नर पर रखेंगे और फिर मापेंगे कि ये निशान कितने इंच पर आ रहा है। तो ये 47 इंच पर आ रहा है। तो ऊपर से हम टेप को ऐसे पकड़े रहेंगे और नीचे से टेप को हम ऐसे खसकाएंगे और 47 इंच ऐसे नाप कर हम पूरा उस कॉर्नर तक निशान लगा देंगे। तो ये देखिए 47 इंच नाप कर मैंने ऐसे पूरा राउंड में निशान लगा दिया है और अब इस निशान पर और इस ऊपर वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है और इसमें भी ये देखिए ये कपड़ा इतना छोटा है तो इसको भी हम सेम उसी तरह से यहाँ पर ऐसे फिंगर लगाकर इसको ऊपर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है फोल्ड कर लेंगे और ये कपड़ा जो हमारा कट कर निकला है इसी में से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को हम इसके नीचे इस तरह से रखेंगे, हल्का सा इसके नीचे दबाते हुए जो सिलाई में चला जाएगा, फिर इसके ऊपर हम इसको ऐसे ओपन करके और फिर इसके किनारों पर कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है और ये देखिए ये दो टुकड़े हमारे कपड़े के कट कर अलग हो गए हैं और इसको हम सेम उसी तरह से ऐसे रखेंगे और यहाँ से पिनअप कर लेंगे और फिर एक टुकड़ा ऐसे और इस कपड़े में से एक टुकड़ा हम ऐसे पकड़ के इसको यहाँ से यहाँ तक पिनअप कर देंगे और दूसरा टुकड़ा इधर पलट कर इस दूसरे कपड़े में इसको ऐसे पकड़ के हम यहाँ से यहाँ तक पिनअप कर लेंगे जैसे मैंने मेन फैब्रिक में किया था सेम उसी तरह से। तो इसको मैंने पिनअप कर दिया है, ये देखिए पूरा आगे से पीछे तक, और इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी अम्ब्रेला लाइनिंग की भी कटिंग हो गई है और इसको हम जहां पर हमने पिनअप किया है यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये लाइनिंग के कपड़े में ये जो मैंने पिनअप किया था इस पर मैंने सिलाई चला ली है और अब इस कपड़े को हम ऐसे ओपन करके रखेंगे इस तरह से, ये कमर वाला पोर्शन ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह पहले हम रख लेंगे और फिर इसके ऊपर ये मेन फैब्रिक इसको हम रखेंगे और इसमें भी मैंने नीचे की तरफ
जो भी पिनअप किया था सब पर मैंने सिलाई चला ली है। इस तरह से कमर वाले पोर्शन को आपस में बराबर करते हुए हम रख लेंगे, फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई चला देंगे जिससे ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो जाएं। तो ये सिलाई मैंने चला दी है और ये देखिए ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो गए हैं। और इसके लिए ये मैंने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। तो बेल्ट की कटिंग हम कमर के साइज के अकॉर्डिंग करते हैं, जितनी भी कमर का हम लहंगा बना रहे हैं उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करके हम उतनी लेंथ बेल्ट की रख लेते हैं। तो ये लहंगा 28 इंच कमर का बन रहा है, तो 2 इंच मार्जिन ऐड करके लगभग 30 इंच मैंने इसकी लेंथ रख ली है बेल्ट की, क्योंकि हमको बेल्ट को इधर साइड से ऐसे फोल्ड करके सिलना भी होगा, इसलिए मैंने 2 इंच मार्जिन ऐड किया है। और इसकी विड्थ मैंने लगभग 5 इंच रखी है, ये देखिए, क्योंकि जब हम इसको ऐसे फोल्ड करके सिलेंगे तो लगभग 2 इंच की बेल्ट हमारी रेडी हो जाएगी। और मैंने ये बेल्ट लाइनिंग के कपड़े से कट की है, क्योंकि बेल्ट लगाने के बाद इसके ऊपर हम लेस लगा देंगे और अभी हम इसको साइड में रख दे रहे हैं, अभी हम बेल्ट अटैच नहीं करेंगे। पहले हम इस लहंगे को इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ साइड से लगभग 6 इंच कपड़ा हम छोड़ देंगे जिप लगाने के लिए, और उसके बाद इसको नीचे तक हम लाइनिंग का कपड़ा अलग और मेन फैब्रिक अलग अटैच कर लेंगे। तो ये ऊपर से लगभग 6 इंच कपड़ा मैंने छोड़ दिया है जिप लगाने के लिए, और उसके बाद ये सभी कपड़े, ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये लाइनिंग का कपड़ा और मेन फैब्रिक, ये चारों कपड़े हम एक साथ पकड़ेंगे और लगभग 1 इंच तक हम ये सब कपड़े एक साथ सिलेंगे। और उसके बाद ये लाइनिंग का कपड़ा हम हटा देंगे दोनों साइड से और केवल मेन फैब्रिक हम इस तरह बराबर से पकड़ लेंगे और इसको नीचे तक हम अलग अटैच करेंगे। तो इसको मैंने ऊपर से नीचे तक सिलाई कर दी है मेन फैब्रिक, और अब हम फिर वहीं से सिलाई शुरू करेंगे जहां से हम कर रहे थे, ये देखिए इस तरह से। और इस बार इस मेन फैब्रिक को हम अंदर की तरफ कर देंगे और लाइनिंग का कपड़ा नीचे के साइड से, और ये देखिए ये ऊपर के साइड से हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इस लाइनिंग के कपड़े को हम अलग नीचे तक अटैच कर लेंगे। तो ये लाइनिंग का कपड़ा मैंने अलग अटैच कर दिया है, और ये देखिए ये मेन फैब्रिक मैंने अलग अटैच कर दिया है। और अब इस लाइनिंग के कपड़े में नीचे की तरफ हम एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई कर देंगे, और अगर हम चाहें तो पिको भी कर सकते हैं। और सेम इसी तरह इस मेन फैब्रिक में भी नीचे की तरफ हम एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई कर देंगे। अब इसमें हम जिप लगाएंगे, ये जो 6 इंच कपड़ा हमने जिप लगाने के लिए छोड़ा था, तो ये देखिए ये जिप है और ये इसका रनर है। तो इस रनर को हम ऊपर की तरफ ऐसे रख लेंगे और इस जिप को इसके अंदर इस तरह हम रखेंगे, और इस कपड़े को ऐसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ऐसे जिप पर रखेंगे बिल्कुल बराबर से, और इसको हम जगह जगह से पिनअप कर देंगे। और फिर ये दूसरी साइड वाला कपड़ा भी ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर हम रख लेंगे और इसको भी पिनअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ऐसे सीधा, फिर ऐसे, और ऐसे हम इस पर सिलाई चला देंगे। तो इस जिप को मैंने, ये देखिए, पिनअप कर दिया है, और अब इस पर यहाँ से यहाँ तक ऐसे और ऐसे हम सिलाई चला देंगे, और इसके अंदर ये देखिए जिप है, तो हमको बस इस तरह से पिंस को निकालते जाना है और इस पर हमको सिंपली सिलाई चलाना है। तो ये जिप इस तरह से लग गई है और इसको हम इस तरह से खोल सकते हैं और इस तरह बंद हो जाएगी। तो ये जिप इस तरह से लग गई है और ये देखिए इसको हम पहले ऐसे ओपन कर लेंगे और ऊपर की तरफ ये जो एक्स्ट्रा जिप है इसको हम ऐसे कट करके बराबर कर देंगे दोनों साइड से। और अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये बेल्ट है जो मैंने कट किया था, इसको साइड से हम थोड़ा सा एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई कर देंगे, और दूसरी साइड से भी इसको हम उसी तरह ऐसे फोल्ड करके पहले सिलाई कर लेंगे। मैंने फोल्ड करके सिल दिया है, ये देखिए दोनों साइड से, और ये बेल्ट का उल्टा साइड है, ये लहंगे का सीधा साइड है। और अब इस बेल्ट को हम लहंगे में अटैच करेंगे, तो इधर एक कॉर्नर से हम इस बेल्ट को ऐसे पकड़ेंगे इस तरह, और इस तरह पकड़ के इसमें पूरा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सिलाई चला देंगे। और अगर ये वाला कपड़ा हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो कहीं कहीं पर इस तरह से हम छोटी छोटी ऐसे प्लेट्स डाल सकते हैं जिससे ये कपड़ा हमारा इस बेल्ट के साइज के बराबर हो जाए। तो इस पर मैंने सिलाई चला दी है आगे से पीछे तक, और ये बेल्ट इस तरह से, ये देखिए, लहंगे में अटैच हो गई है। और अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह, और इसको हम पिनअप कर देंगे पूरी बेल्ट को फोल्ड करके, उसके बाद इस पर हम सिलाई चला लेंगे। तो ये पूरी बेल्ट को फोल्ड करके मैंने पिनअप कर दिया है,
आगे से, ये देखिए पूरा पीछे तक। और अब इसके किनारों पर हमको सिलाई चलाते जाना है, तो हम पिंस को ऐसे निकाल देंगे और बस इसके किनारों पर हमको ऐसे सिलाई चलाना है। तो इस पर मैंने सिलाई चला दी है, ये देखिए आगे से पीछे तक, और ये बेल्ट इसमें अटैच हो गई है। और ये देखिए ये साइड से इसमें जिप भी लग गई है, और इसमें हम डोरी और लटकन बनाकर लगा लेंगे। और इस बेल्ट के ऊपर हम ये जो लैस है, इस लैस को लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम इस तरह से लैस रखेंगे इस तरह, और एक सिलाई नीचे और एक सिलाई ऊपर इसके लगाते जाएंगे, और पूरा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम लैस को इसमें अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके कमर पर ऐसे लैस लगा दी है, और ये साइड में जिप है, और इसमें हम डोरी और लटकन बनाकर लगा लें। तो ये देखिए मैंने ऊपर बेल्ट पर ये लैस अटैच कर दी है आगे से पीछे तक, और नीचे की तरफ भी मैंने पूरे घेर में लैस अटैच कर दी है, और इसमें मैंने मैचिंग डोरी और लटकन बनाकर लगा लिए हैं। और इसके साइड में यहाँ पर मैंने हुक्स अटैच कर दिया है, और ये जिप भी अटैच है, जिससे हम इससे इसको आसानी से पहन सकते हैं। और इसमें का जो टुकड़ा बचा था फ्रेंड्स, कट कर जो कतरन निकला था, उस टुकड़े से ये देखिए ये बच्ची के लिए डिजाइन करना था, तो इससे मैंने चोली डिजाइन कर ली है इस तरह से। इसमें पीछे मैंने हुक्स लगाए हैं, और मैचिंग नेट लेकर इसके लिए मैंने ये दुपट्टा भी डिजाइन कर लिया है। इसके नीचे पतली लैस अटैच करके इस पर मैंने छोटे छोटे स्टोन्स पेस्ट कर दिए हैं फैब्रिक ग्लू से। तो ये पूरा ड्रेस हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि इस लहंगे को बनने के बाद इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। और फ्रेंड्स आप लोग भी वीडियो देखकर अपनी बच्ची के लिए इस टाइप का लहंगा डिजाइन कर सकती हैं। और फ्रेंड्स अगर आप मुझसे डिजाइन करवाना चाहें तो आप मुझसे भी डिजाइन करवा सकती हैं। अगर आप किसी भी टाइप की ड्रेस मुझसे डिजाइन करवाना चाहती हैं तो इसके लिए आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं, मैं आपके लिए आपकी मनपसंद ड्रेस डिजाइन कर दूंगी। और फ्रेंड्स इंस्टा से आप मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस अपने लिए खरीद भी सकती हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये लहंगा बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि इस लहंगे को पहनने के बाद इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।